मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां पुलिस ने दो जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पकड़े गए आरोपी सांसद के नाम से मुख्यमंत्री के सचिवालय में फोन कर अधिकारियों पर रौब गालिब करते थे और फोन कर अधिकारियों पर दबाव बनाकर काम कराते थे। वहीं शक होने पर मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की। थाना सिविल लाइन पे शिकायत प्राप्त हुई थी कि माननीय सांसद मुजफ्फरनगर एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हैं उनके नाम से कुछ लोग लखनऊ में विभिन्न अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय को फोन करके उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करते थे। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत करके इसकी जांच की गई। जांच में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो दोनों रिठौड़ा गाँव PS छपरौली थाना बागपत के रहने वाले हैं। उनके द्वारा अपने कृत्य की स्वीकार भी किया गया है और जनपद इन लोगों के द्वारा लखनऊ स्तर पर बहुत से अधिकारियों को प्रायित करने के लिए फोन किए गए। कुछ लोगों को फायदा भी मिला इससे, वो विवेचना में चल रहा है। अभी कोई बहुत ज्यादा अभी इस तरह की पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि फायदा जो भी हुआ होगा वो लखनऊ से हुआ होगा। आज ही इनकी गिरफ्तारी हुई है, उसमें विवेचक को निर्देशित किया गया है कि इन सब पहलुओं पर गहनता से जाँच करें। पकड़े गए दोनों जालसाज बागपत के छपरौली थाना में रिठौड़ा गांव के हैं, जिनमें से एक का नाम मुन्ना उर्फ हर्षवर्धन है और दूसरे का नाम विक्की उर्फ विकास है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों को जेल भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। मुजफ्फरनगर से फल कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।